आरोग्य जागृति। मैं डॉक्टर रुचिरा मिश्रा हूँ। मैं SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय नारायणा हेल्थ मुंबई से आज औरंगाबाद आई हूँ। मेरे साथ मिस्टर अरुण विवेकर है जो कि औरंगाबाद की थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ और श्री सत्य साई ब्लड सेंटर एवं थैलेसीमिया डे केयर सेंटर के साथ हम लोगों ने मिल करके एक HLA कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस HLA कैंप का मकसद ये है कि जो हमारे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम का एक इलाज उपलब्ध करा पाए जो कि उनके बार बार खून की रिक्वायरमेंट्स होती है, बार बार खून की ज़रूरत जो पड़ती है उस ज़रूरत को कम मिटा सकता है। बिल्कुल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें आपका HLA टाइपिंग चाहिए, क्योंकि जो अगर मैचिंग मिल जाता है हम लोगों को, फुल मैच मिल जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे भाई या बहन में मैच मिल जाए और भाई या बहन को थैलेसीमिया नहीं है और वहाँ से हमको मैचिंग मिल जाए तो हम जानते हैं कि 100 में से 80 से 85% बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मान लीजिए परिवार में मैच नहीं मिलता तो हम बाहर भी लोगों के साथ ढूंढ सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि आप हमारे स्टेम सेल्स लेकर के डोनेशन करवा लीजिए, अगर वहाँ पे HLA मैचिंग मिल जाती है तो हम उनसे सेल्स लेकर के हम बच्चे को क्योर कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी अगर नहीं है, वो ऑप्शन 50% लोगों को मिल पाता है, वो ऑप्शन भी नहीं है अगर, तो माता पिता भी खुद डोनर्स बन सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है वो प्रोसीजर, मगर वो रिस्क हम कभी भी उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको पता है कि बार बार और जन्म तक आखिर तक हमको बार बार अगर खून देना पड़े तो उसमें काफ़ी तकलीफें और कठिनाइयाँ आती हैं। हम लोगों को थैलेसीमिया डे केयर सेंटर्स या थैलेसीमिया सोसाइटीज़ की बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है उसमें। और जैसे आज औरंगाबाद थैलेसीमिया सोसाइटी ने और मिस्टर विवेकर ने ये काम अपने ऊपर लिया है कि वो ये कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे ही अगर जागरूकता बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ हम कह पाएंगे कि थैलेसीमिया का इलाज है, जल्दी से जल्दी वो इलाज कर सकते हैं हम लोग। औरंगाबाद में SRCC के थ्रू हम लोग ने अभी तक ऑलरेडी 5 ट्रांसप्लांट्स करे हुए हैं, 3 मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट्स करे हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुल है। उनको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट करे हुए और ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल खून की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट किया है जो दात्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डोनर्स से हमको मिल सकते हैं, उनके थ्रू ये काम किया है। और एक हमने हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किया है जिसमें हमने पिता को डोनर यूज़ किया था, उनको भी 1 साल हो गया है ट्रांसप्लांट किए हुए और उनको अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई है। तो ये जागरूकता अगर हम पैदा कर पाएंगे तो हम जानते हैं कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसका एक इलाज है हम उसको यहाँ से इंडिया से बिल्कुल हटा सकते हैं। तो आप लोगों की बहुत मदद चाहिए इसमें, आप लोग अगर आगे हाथ बढ़ाएंगे हमको, नॉट जस्ट एज ब्लड डोनर्स, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग खून डोनेट करते होंगे, पर अगर आप रजिस्टर कर पाए कि आप बोन मैरो डोनर्स भी बन जाए तो वो हम लोगों के लिए इस युद्ध को, इस बैटल को जीतने में बहुत ही सहायक होगा। थैंक यू सो मच। मैम, जैसा बोन मैरो का जो आपने बताया है, ये कौन से एज ग्रुप में किया जाता है और कितना खर्च, मतलब एक्सपेंसिव कितना होता है? तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है जनरली करीब 6 से 8 महीने की उम्र में। हम कहते हैं कि बेस्ट एज ट्रांसप्लांट करने के लिए 2 से 8 साल के बीच में है, जब बच्चा भी थोड़ा सा जागरूक हो, जवाब दे पाए, बातचीत कर पाए, बता पाए कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। तो आइडियली ट्रांसप्लांट जो है वो 2 से 8 के बीच में होना चाहिए। नहीं हो पाया तो भी हम ऊपर से कर सकते हैं, हम जनरली कहते हैं कि 15 साल तक आप कर ही लें, बहुत से बहुत 18 साल तक, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से ट्रांसफ्यूजन लिए हुए हैं। 18 साल के बाद ट्रांसप्लांट करने में रिस्क है, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया हुआ है, मगर रिस्क जो है जितनी उम्र बढ़ती जाएगी वो रिस्क बढ़ता जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं और बच्चे की उम्र क्या है, क्योंकि ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो दवाइयों का कॉस्ट होता है। अगर छोटी उम्र पर कर रहे हैं तो कॉस्ट कम पड़ेगा आपको, बड़ी उम्र पर कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो बढ़ता है। पर औसतन अगर हम भाई या बहन से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 1 महीने का जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो करीब 10 से 12 लाख के बीच में आता है। एक ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट हम 1 साल के लिए देते हैं कि आपका करीब 18 लाख तक का खर्चा आ जाएगा 1 साल के अंदर अंदर।
अगर वही चीज़ हम मैच अनरिलेटेड डोनर कर रहे हैं तो खर्चा करीब 28 से 30 लाख तक आ सकता है, और भाई माता या पिता से लेके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट 20 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है उसमें। मैम ये बोन मैरो जो किया जाता है ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है कि एक ही साथ में करना पड़ता है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है आपका HLA टाइपिंग, जो कि हम आज इस कैंप के जरिए कर रहे हैं। उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैच है या नहीं है, किस लेवल का मैच है आपका। HLA टाइपिंग करने के बाद डोनर आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन डोनर बनेगा, फिर पेशेंट और डोनर दोनों की टेस्टिंग होगी देखने के लिए कि वो ट्रांसप्लांट करने के लिए फिट है कि नहीं है, और उसके आगे ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू होगा। मैम अभी बोन मैरो के बारे में काफ़ी लोगों में गलत फहमियाँ हैं, इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर बहुत गलत फहमियाँ, हर चीज़ के लिए गलत फहमियाँ, पोलियो की ड्रॉप्स के लिए भी गलत फहमियाँ हैं, तो उन गलत फहमियों को ही हमको हटाना है। और आप जैसे प्रेस के लोग और थैलेसीमिया सोसाइटी जैसे जागरूक लोग ही इस गलत फहमियों को दूर करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में अगर किसी को कोई रिस्क है तो वो पेशेंट को रिस्क है, वो कोई भी बड़ा सीरियस प्रोसेस करने में प्रोसीजर करने में पेशेंट को थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, लेकिन कोई भी आपको 100% गारंटी की कोई भी आपको गारंटी नहीं ले सकता कि 100% सक्सेस होगा किसी चीज़ में। ये ज़रूर कहूँगी कि डोनर को कोई भी रिस्क नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम सिर्फ आपसे खून बनाने वाले सेल्स लेते हैं, जो कि जनरली हमारे शरीर में हर 48 आवर्स में 2 दिन के अंदर अंदर वापस बन जाते हैं। आप पूरी ज़िंदगी में 5 बार बोन मैरो डोनर्स बन सकते हो, और कई लोग हैं जो दाखिल में जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने 2 या 3 बार तक डोनेशन किया हुआ है पेशेंट्स के लिए। तो इस वजह से डोनर को तो कतई कोई भी रिस्क नहीं है। पेशेंट को हाँ ज़रूर किसी भी बड़े प्रोसीजर के लिए जो पेशेंट को रिस्क होता है वो रिस्क है। हम ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के दौरान 100 में से 10 से 15% बच्चों के जान जाने का चांस है, मगर उसके साथ साथ ये भी है कि 80 से 85 बच्चे भी ठीक होने का चांस रखते हैं। तो आपको ये डरना है कि आप 10% से होकर डरोगे कि 80% का होप रख करके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहोगे? मैम जैसा भाई ब्लड डोनर के लिए काफ़ी लोगों को मालूम अवेयरनेस हुआ है, बोन मैरो के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है या पता नहीं है, अवेयर नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सो जो डोनर्स होते हैं बोन मैरो डोनर्स जो हैं, जो स्टेम सेल डोनर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम खून के लिए स्टेम सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको स्टेम सेल्स डोनर बोलते हैं। जनरली अगर आप मैच्ड अनरिलेटेड डोनर हैं तो ये सेल्स आपके खून से ही लिए जाएंगे। आपको 4 दिन इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपके जो बोन मैरो या हड्डी के अंदर जो गुदा है उसके सेल्स उफन करके बाहर आते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उफन करके खून में आ जाते हैं, और फिर जैसे हम दूध से मलाई हटाते हैं, हम बिल्कुल उसी प्रकार आपके ये सेल्स एक मशीन के दौरान आपको मशीन के साथ वो सेल्स को हम हटा लेते हैं। तो आपके शरीर में से कोई भी ऐसे सेल्स नहीं है जो आपके लिए बहुत ही जीवनदायक है, कुछ है वो हटिए जाएंगे आपसे। सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्स जो हमने बनाए इंजेक्शन के द्वारा वो भी खून से हम निकाल लेते हैं। 90% डोनेशन खून से ही होते हैं, जिस तरह से आप ब्लड या प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं ऐसे ही आप बोन मैरो स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हैं। 10% या 15% केसेस में हम बोन मैरो से सेल्स लेते हैं, स्पेशली अगर भाई या बहन का मैच है, तो उस केस में हम बच्चे को या बड़े को एनेस्थेटाइज करके उनको बेहोशी का दवाई दे करके फिर उनके फूले की हड्डी से सेल्स लेते हैं, मगर वो प्रक्रिया भी बिल्कुल ही रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। मैम जैसा बताया कि बोन मैरो जो माता पिता या भाई जो ब्लड रिलेटेड ने दिया तो रिजल्ट अच्छा रहता है या बाकी ऐसा कुछ इसमें कंफ्यूजन है? सो बेस्ट रिजल्ट्स अगर भाई या बहन 10x10 मैच निकलते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स उसमें से हैं, जो 10x10 मैच डोनर्स हैं उनके रिजल्ट्स बेस्ट हैं। उसके अलावा जो है अगर आप बाहर से 10x10 लेते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम है, और अगर आप मम्मी पापा से सेल्स ले रहे हैं विदाउट मैनिपुलेशन तो उसका रिस्क सबसे ज़्यादा है ट्रांसप्लांट करने। मैम जैसा कि आपने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है, अभी हमारे थैलेसीमिया पेशेंट के माता पिता या फिर और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सो सबके लिए एक ही संदेश है सर, हम लोग कहते हैं कि शादी से पहले आपका HP इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में किसी भी थैलेसीमिया को जन्म दें। अगर आपका HP इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया है, अगर आपको पता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, तो जैसे ही आपको पता है कि आपने बच्चा होने वाला है या बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उस बच्चे का टेस्टिंग करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उसको थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क है कि नहीं है। तो उस तरह से हम थैलेसीमिया बच्चों को पैदा होने से ही हम रोक सकते हैं, या तो फिर 2 थैलेसीमिया माइनर्स का शादी नहीं हो,
या एक नॉर्मल एक थेरेपी में माइनर का शादी हो, और या फिर ये जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो पेट में ही हो सकती है, तो वो टेस्टिंग हमको करनी चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में है कोई जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो हमको कोशिश करनी है कि हमको जल्दी से जल्दी हमको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए उनका, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतने ही हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं भी कराएंगे और हम सिर्फ खून पर डिपेंडेंट हैं, तो भी हमको पता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी उनके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं। कुछ बच्चों को डायबिटीज़ होती है, कुछ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ सफ़र करती है, बाद में तकलीफें हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, पैनक्रियाज पे प्रॉब्लम आती है, तो ये तकलीफें जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो आएंगे ही आएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करके उसको क्योर करने की कोशिश करें। थैंक यू मैम। सर आपण त्याला ट्रान्सप्लांटेशन दुसरा काही पर्याय राहत नाही, तर आता त्या बाबा ठेवलेलं आहे सर हॉस्पिटल मुंबई नारायणा ग्रुपचं, तर त्यांच्यासाठी आपण आपली इच्छेने कॅम्प ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये जवळपास 45 मुलांचं पॅरेंट बरोबर किंवा सबलिंग बरोबर आपण त्यांचं मॅच करण्याचा प्रयत्न करतो। त्याच्यामध्ये जर मॅच झाल्यानंतर आपण त्यांचं बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करणार आहे, ज्याच्यातनं ते पूर्णपणे रिकवर होणार आहे, त्यांना अंदर 15-20 दिवसात ठेवायची गरज नाही। आपण याच्यापूर्वी 11 जणांचं केलेलं आहे, त्याचे पूर्ण सक्सेस झालेलं आहे, आज ते पूर्णपणे नॉर्मल मुलांसारखं जीवन जगत आहे। सर आता आतापर्यंत तुम्ही हे जे थॅलेसिमिया रुग्णावर जे कार्य करता आहे यामध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि तुम्हाला हा जे कन्सेप्ट आवडला आहे आणि करता आहे याबद्दल काय बोलू इच्छित? मी स्वतःहून याच्यामध्ये काम करण्याचं कारण असं की हा माझा मुलगा आहे हर्ष, त्याला 15 दिवसाचा असताना तेव्हापासून त्याला ब्लड लागते, आज तो 13 वर्षाचा आहे, तेव्हापासून त्याला ब्लड लागतं। पण आज दुसऱ्या मुलाचं 11 मुलाचं तर मी कोणाला ट्रान्सप्लांट केलं आहे, तर माझ्या मुलाचं मी ट्रान्सप्लांट करू शकत नाही, कारण का माझ्या आई त्याच्या आईवडिलांबरोबरही मॅच झालेलं नाही आणि माझ्या मुलाबरोबरही मॅच झालेलं नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यासमोर आता एकच पर्याय आहे, जोपर्यंत नवीन डेव्हलपमेंट काही येत नाही, गोळ्या औषधी येत नाही, तोपर्यंत त्याला मॅच द्यायचा। बाकी थॅलेसिमिया परिवारांना काय संदेश देऊ इच्छित? ज्यांना दुसरं सबलिंग आहे जे पेशंट आहे त्याला पण लहान किंवा मोठा भाऊ बहीण आहे, त्यांनी ब्लड घेऊन घ्यावं आणि जर त्यांचं मॅच झालं मुलांबरोबर किंवा आईवडिलांबरोबर जर मॅच झालं तर त्यांनी काय 100% बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करून घ्यावं। खर्चिक आहे याकरता काय नियोजन आहे आपल्या संस्थेनं? असं की टाटा ट्रस्ट आहे, टाटा ट्रस्टकडनं मदत होती, करो ट्रस्टकडनं मदत होते, इटसेल्फ स्वतः SRCC हॉस्पिटलकडनं मदत होते आणि कोल इंडिया म्हणून जे आहे ऑर्गनायझेशन दिल्लीची त्यांच्याकडनंही 10 लाखापर्यंत ह्या आजारासाठी मदत होते। त्याची प्रोसिजर काय? त्याची प्रोसेस हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर सर्व तिथले जे सोशल वर्कर आहे ते आपल्याला मार्गदर्शन करतात, आपल्याला कुठे जायची गरज नाही आहे, सगळं अंडर वन रूममध्ये सगळं प्रोसेस होते। सर अशा थॅलेसिमिया परिवारांना आपण वेळोवेळी कॅम्प घेणार, त्याबद्दल त्यांना काय संदेश देऊ शकतो? मागील 13-10 वर्षापासून हे सगळं वेळोवेळी आपण करत आलेलो आहे। आता हे जे आजचे जे कॅम्प होता हा फक्त नवीन जे पॅरेंट्स आता 3-4 लॉकडाऊनच्या पहिल्या लॉकडाऊनपासून जे नवीन आता सबलिंग आलेले आहेत ज्यांना दुसरं आपत्ती झालेलं आहे किंवा जे राहिलेले होते हा कॅम्प त्यांच्यासाठी केलेला आहे, त्यांच्यापूर्वी पण आपण हे कॅम्प केलेले आहे आणि त्या कॅम्पमधनं आपण 11 जणांचं ट्रान्सप्लांट कम्प्लीट केलेलं आहे। सर ह्या कॅम्पला आलेला खर्च आणि आतापर्यंत किती रुग्ण येऊन गेलेले आहेत? आतापर्यंत जवळपास 40 रुग्ण येऊन गेलेले आहेत आणि आपण 1 रुपयाही खर्च त्यांच्याकडनं घेतलेला नाही, सगळं फ्रीमध्ये केलेलं आहे। खर्चाचं नियोजन कसं करतात? फीस जे आहे ह्या SRCC हॉस्पिटल मुंबई यांच्यातर्फे आहे आणि मी फक्त लोकांना निरोप दिलेला आहे, ते निरोप याच्यासाठी का त्यांनी इथपर्यंत यावं त्यांना माहिती कसं होणार, ते आमच्या सोसायटीचं काम आहे की अवेअरनेस करणे आणि त्यांना रिकवर करणे। आणि आजचा दिवस आपण याच्यासाठी निवडलेला का आज चिल्ड्रन डे आहे आणि त्यांना आयुष्य त्यांचं हे सुखकर जावं, आनंदी जावं, दुसऱ्या नॉर्मल मुलांसारखं त्यांनी जगावं म्हणून हा आज 14 नोव्हेंबर निमित्त कॅम्प। सर चिल्ड्रन डेच्या लहान मुलांना काय संदेश देऊ इच्छित? चिल्ड्रन मुलं जसं दुसरे लहान मुलं एकदम म्हणजे नॉर्मल आहे त्याच पद्धतीने थॅलेसिमियाचा प्रत्येक मुलगा हा नॉर्मल राहायला पाहिजे, त्यांचं ज्यांचं ऑपरेशन झालं नाही हेच मेडिकल सेंटर आहे इथं, पण त्यांना ब्लड ट्रान्सफ्युजन करून आणि 9.5 एवढं हिमोग्लोबिन त्यांचं मेंटेन करण्याचा प्रयत्न। थँक्यू। माझी मुलगी शाश्वी हिचं हाफ मॅचमध्ये आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केलं आहे रुचिरा मॅडमसोबत मुंबईला SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये आणि नाव शी इज ॲब्सोल्यूट नॉर्मल। 1 जुलैला तिचं ट्रान्सप्लांट झालेलं आणि 1.5 वर्ष पूर्ण होते, आता ती व्यवस्थित आहे, तिला कुठल्याही प्रकारचं ट्रान्सफ्युजन द्यायचं काम पडलेलं नाही आहे आतापर्यंत। बरं सर आता तुम्ही तुमच्या मुलीला अनुभव घेतलेला आहे, तर
बाकी थॅलिसिमिया पेशंटच्या आई वडिलांना काय संदेश देऊ इच्छिता? मी त्यांना एवढंच म्हणेल की ते हाफ मॅच जरी असतील तर त्यांनी योग्य रीतीने प्रयत्न करावा. प्रत्येक आपण कन्सल्ट करून डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सल्ल्यांप्रमाणे त्यांनी बीएमटी करावं, जेणेकरून त्यांचा दर 15 दिवसाचा त्रास वाचेल. सर, जसं आता मागे तुम्ही प्रत्येक 15 दिवस महिन्याला ब्लड देत होतात, तेव्हा तुमच्या मुलाच्या वेदना तुम्ही मला बघावल्या जात नव्हत्या, आता कसं वाटतंय तुम्हाला? आता आम्हाला आनंद आहे की त्याला दवाखान्यात न्यायचं काम नाही, 10-15 दिवसाची चक्कर वेळ सगळ्याच गोष्टी वाटतात. मॅडम, इसके बारे में बताइए आप, बोन मॅरो. शाश्वी का ट्रांसप्लांट हाफ मैच ट्रांसप्लांट है, जिसमें कि पापा ने डोनेट किए हैं सेल्स अपने. ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमको कहीं और परिवार में न बाहर हमको मैच मिल रहा था. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 1.5 साल निकल गया है और अभी भी इसको कोई तकलीफ नहीं हुई है. तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने ठान ली है कि हमें ट्रांसप्लांट कराना है, अपने बच्चे को क्योर करना है बीमारी से, तो डोनर की जरूरत, मतलब परिवार में डोनर मिल ही जाएगा आपको. आपको बस पैसे जोड़ने हैं और ट्रांसप्लांट कराना है. मॅडम, तुम्ही काय बोलू इच्छिता तुम्हाला? माझ्या ट्रान्सप्लांटवरून मी एवढंच सांगते की प्रत्येक आई वडिलांनी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आईनं जर हिंमत केली तर बाळाचं आरोग्य निश्चित चांगलं होऊ शकतं. फक्त पॅरेंट्सनी हिंमत करणं गरजेचं. म्हणजे आता तुमच्या मुलीचं भविष्य एकदम सुदृढ आहे, तब्येत सुदृढ आहे, पुढे काय बनवू इच्छिता त्यांना? ॲक्च्युली शाश्वी जेव्हा झाली होती आणि तिला जेव्हा हा आजार कळाला होता, त्यावेळेसच आम्ही असा विचार केला होता की शाश्वीला आपण एक थॅलेसिमियासाठीच म्हणून एक डॉक्टर म्हणून बनू, की आपण एक भविष्यातीचा ट्रान्सप्लांट करून तिला डॉक्टर बनू त्या संदर्भात, की एक आयडियल त्या क्षेत्रासाठी, की ती असा तिला आजार होता आणि ती त्यातून बाहेर पडली आणि ती डॉक्टर झाली. थँक्यू.
पहले से मैं इसको 7 साल से ब्लड चढ़ा रहा हूँ। 4 महीने के बाद मालूम गिरा था वहाँ, तो अभी तक ब्लड चढ़ा रहे उसको। तो अभी आप इतने लंबा से आ रहे हो, आपको पता कैसा चला इस कैंप के बारे में? हमको ये पहले हमने ब्लड चलाए दिवेकर सर ने बताया हमको कैंप भरेले से। तो अभी आपके आने जाने का खर्चा आपको कैसा मेंटेन करते हो और क्या चाहते हो? आने जाने का खर्चा हमको लगता है 700-800 रुपये भाड़े को लग जाते हैं, फिर बच्चे को गोली को 700-800 रुपये, फिर उसको दवा खाने में 700-800 रुपये बैठ के लगते हैं। वो खर्चा हमारे से कवर नहीं हो रहा, हमारे पैर टूटे ले तो हम चाहते क्या थे खर्चा शासन पूरा हुआ ऐसे। अच्छा, तो आपने अभी किसको अभी तक तो किसको मांग की है क्या? नहीं अभी तक तो किसको मांग की है ये तुम्हारे आमदार को वगैरह आपने बताया कुछ? कौन है आपके आमदार? हमारे आमदार उदय सिंह राजपूत। उदय सिंह, अच्छा। अभी आप क्या चाह रहे बच्चे के लिए, क्या अभी जैसा कोई कैंप है बोन मैरो को, इसके बारे में क्या है आपका? हमारे बच्चे को बोन मैरो ऐसा कि अच्छा आ जाए, उसका टेस्ट हो जाए और हमारा ऑपरेशन बच्चे का फ्री में हो जाए। और इसको तो पैसा बहुत लगेगा, पैसा कैसा करेंगे हमने? तो अभी तो देखिए अभी पैसे का तो अभी अपने का ऐसे 1 रुपये भी 200-300 रुपये कमाते हैं हम रोज के, उसमें ये बच्चे ऐसे मेरा पैर टूट गया ले 5-6 महीने से, तो मैं ऐसे घर पर बैठे। शुक्रिया। बोलो बोलो। बर बाकी परिवार काय संदेश देऊ इच्छित आपण? थैंक यू। आरोग्य जागृती।